क्या आप जानते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जिसने एक मृत भाषा को पूर्ण जीवित किया और उसे अपनी राष्ट्रभाषा बना ली, और कौन सा ऐसा देश है जहां 50 साल पहले की तुलना में आज ज्यादा पेड़ हैं? कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखिए यह पूरा वीडियो। फैक्ट नंबर 1, इसराइल केवल एक ही देश है जिसने एक मृत भाषा को पुनर्जीवित किया और इसे राष्ट्रीय भाषा बना दिया, जिसे हिब्रू कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां 50 साल पहले की तुलना में आज ज्यादा पेड़ हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इजरायली आबादी के मुकाबले अधिक फलों और सब्जियों का उपभोग करते।